हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा लंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम जेआरएफ प्लांट साइंस 2018 के पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने जेआरएफ प्लांट साइंस 2019 के पेपर को डिस्कस करा था, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फ्रेंड्स, हम इस पेपर में पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं उसे भी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ ग्रेट बंगाल फेमाइन वॉस। देखिए, ग्रेट बंगाल फेमाइन 1943 में ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस की वजह से आई थी। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइसी। ब्लास्ट ऑफ राइस का कॉजल ऑर्गेनिज्म है पायरिकुलेरा ओराइसी। रस्ट ऑफ वीट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई। करनाल बंट ऑफ वीट का कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है टीलिएटा इंडिगा। क्वेश्चन नंबर टू, क्लोरोप्लास्ट कंटेन डिस्क लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर अरेंज्ड इन अ स्टैक। इस कॉल देखिए, क्लोरोप्लास्ट में अगर एक डिस्क लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो उसे हम कहते हैं थाइलेकोइड, पर यहाँ बात करी है डिस्क लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अरेंज्ड इन अ स्टैक, मतलब एक के ऊपर एक जब डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रेना। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना के जोड़ने जो जोड़ता है जो स्ट्रक्चर जोड़ता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली। और सिस्टर्न हम जानते हैं कि सिस्टर्न इज अ पार्ट ऑफ अ गोल्गी बॉडी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ बंकी टॉप ऑफ बनाना इज ट्रांसमिटेड बाय। देखिए, बंकी टॉप ऑफ बनाना एक वायरल डिसीज है एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाय पेंटेलोनिया निग्रो नर्वोसा। क्वेश्चन नंबर फोर, खैरा डिसीज इज एसोसिएट विथ विच क्रॉप। खैरा डिसीज इज अ फिजियोलॉजिकल डिसीज एंड इट इज एसोसिएटेड विथ पैडी क्रॉप। खैरा डिसीज इज ऑकर इन पैडी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक। जब पैडी में जिंक की डिफिशियंसी हो जाती है तो खैरा डिसीज होती है। क्वेश्चन नंबर फाइव, वायरस मीडिएटेड ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर इज। देखिए, हम जानते हैं कि बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए तीन प्रोसेस होती है। फर्स्ट है ट्रांसडक्शन, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन और थर्ड होता है कॉन्जिगेशन। ट्रांसडक्शन में जो वायरस होता है वो मीडिएटर का रोल निभाता है, तो इसका आंसर आएगा ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन किसने दिया था, तो ट्रांसडक्शन इज गिवन बाय जिंडर एंड लेडरबर्ग। ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय ग्रिफिथ इन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। कॉन्जुगेशन इज गिवन बाय लेडरबर्ग एंड टॉटम। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स, सीड प्लॉट टेक्निक इज फॉलोड इन। देन सीड टेक प्लॉट टेक्निक इज फॉलोड इन पटेटो। इट इज़ अ सीड प्रोडक्शन मेथड यूज एट फार्म लेवल मेनली फॉर द फार्मर्स ओन सीड सप्लाई। क्वेश्चन नंबर सेवन, सदर्न कॉर्न ब्लाइट एपिडेमिक ऑफ मेज वॉज ड्यू टू ससेप्टिबिलिटी ऑफ, एंड इट्स आंसर इज टी साइटोप्लाज्म। देखिए, मेज में अलग अलग साइटोप्लाज्म होते हैं, एक होता है टी साइटोप्लाज्म इज टेक्सस साइटोप्लाज्म। इट कैरीज अ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेड मेल स्टेरिलिटी। दी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एक्सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ वायबल पोलन ग्रेन एंड इज इनहेरिटेड इन अ नॉन मेंडेलियन मैनर। क्वेश्चन नंबर एट, सोर्स ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस जीन इन वीट इज क्रिटिकम मोनोकॉकस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नाइन, सेल वॉल लैकिंग ऑर्गेनिज्म इज, ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर टेन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाय। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात होती है तो उसका आंसर आता है नोल एंड रस्का। वहीं पर अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात होती है तो उसका आंसर आता है जैकेरिस जेंसन। क्वेश्चन नंबर इलेवन, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर डिस्कवर्ड बाय टी जे ब्यूरिन इज अर्बिनिया।
अमाइलो होरा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. इन ग्राम स्टेनिंग द एल्कोहल एक्ट्स ऑन, देखिए ग्राम स्टेनिंग में एल्कोहल लिपिड मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है. जब एल्कोहल लिपिड मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है तो क्या होती है, वो डिजॉल्व हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 13. सीड प्लॉट टेक्निक ऑफ पोटैटो इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वायरस फ्री सीड्स. क्वेश्चन नंबर 14. कॉटन लीफ कर्ल इज ट्रांसमिटेड बाय वाइट फ्लाई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर ऑफ पक्सिनी आर कंसिडर्ड एज परफेक्ट स्टेज स्पोर. देखिए ये बहुत बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. इसका राइट आंसर है टीलियोटोस्पोर, क्योंकि इसमें कैरियोगेमी और मियोसिस साथ साथ में होते हैं. कहीं जगह इसका आंसर यूरिडोस्पोर भी दिया है, बट इसका आंसर सही आंसर टीलियोटोस्पोर ही है. अगर आपसे पूछा जाए कि रिपीटिंग स्टेज क्या है, तो रिपीटिंग स्टेज का आंसर आता है यूरिडोस्पोर. क्यों? क्योंकि प्राइमरी इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फेक्शन यूरिडोस्पोर की वजह से होता है. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. सीनोसाइटिक फंगल हाइफी आर, देखिए हम जानते हैं जो हाइफी होती है वो दो टाइप की होती है. एक होती है सेप्टेट और एक होती है एसेप्टेट. हम एसेप्टेट हाइफी को सीनोसाइटिक हाइफी भी कहते हैं. तो सीनोसाइटिक फंगल हाइफी आर नॉन सेप्टेट. क्वेश्चन नंबर 17. ब्लैक टीथ ऑफ मैंगो इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 18. विच इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड टू ट्रांसफर डिसीज रेजिस्टेंस जीन फ्रॉम अनअडेप्टेड जर्मप्लास्ट, दैट इज इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बैक क्रॉस मेथड. देखिए इसमें क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है कि अगर हमको कोई पर्टिकुलर ट्रेट या पर्टिकुलर जो हमको दिख रहा है कि हाँ हमको इसको सही करना है, पर्टिकुलर ट्रेट जैसे हमको डिसीज रेजिस्टेंस जीन हमको ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए बैक क्रॉस मेथड एकदम राइट मेथड होती है. क्वेश्चन नंबर 19. पीजन पी स्टेरिलिटी मोजेक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय माइट एसेरिया कजानी एंड पीजन पी स्टेरिलिटी मोजेक वायरस इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस. क्वेश्चन नंबर 20. द बैक्टीरियल सेल आर पेरिट्राइकसली फ्लैजिलेटेड इन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एर्विनिया. क्वेश्चन नंबर 21. द परफेक्ट स्टेज ऑफ राइजोक्टोनिया सोलेनाई इज ऑप्शन नंबर बी, थैनेटोफोरस क्यूक्यूमेरिस. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 22. हु प्रूव्ड दैट वायरस कुड पास टू फिल्टर विद पोर्स स्मॉल इनफ टू रिटेन बैक्टीरिया, देन इवानवस्की प्रूव्ड दैट वायरस कैन पास थ्रू फिल्टर्स. ठीक है, बेजरनिक इज फादर ऑफ वायरोलॉजी. स्टेनले ही फर्स्ट आइसोलेट एंड क्रिस्टलाइज टोबेको मोज़ेक वायरस. मेयर ही ऑल्सो वर्कड ऑन टोबेको मोज़ेक वायरस. क्वेश्चन नंबर 23. एप्लीकेशन ऑफ पोटैश इंक्रीज डिसीज रेजिस्टेंस इन प्लांट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 24. सिस्टमिक फंगिसाइड इट इज डिस्कवर्ड बाय वॉन स्कैम्बलिंग एंड एम कुलका. सिस्टमिक फंगिसाइड, हम जानते हैं कि सिस्टमिक फंगिसाइड क्या होता है, कि हमने वो एक प्लांट में से लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, दूसरे प्लांट में डाल देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो फंगस के लिए वो कैसा होता है, रेजिस्टेंट होता है और वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, इसका एग्जांपल होता है कार्बन डजीर. क्वेश्चन नंबर 25. बारबेरिस वल्गेरिस इज द अल्टरनेट होस्ट ऑफ, देखिए तो बारबेरिस वल्गेरिस इज द अल्टरनेट होस्ट ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ वीट. ब्लैक रस्ट ऑफ वीट का कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है पक्सिनिया ग्रामिनी स्ट्रिटिसाई. येलो रस्ट ऑफ वीट का कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस.
और ब्राउन रस्ट ऑफ वीट का कोशल ऑर्गेनिज्म होता है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा ट्रीटीसाई। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। लूज स्मॉट ऑफ वीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय सी ट्रीटमेंट विद वाइटावेक्स। क्वेश्चन नंबर 27। यूजी 99 इज अ रेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रस्ट पैथोजन। देखिए जो यूजी 99 है वो पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रीटीसाई की एक रेस है। यह सबसे पहले युगांडा में 1999 में देखी गई थी, इसलिए इसका नाम है यूजी 99 और एक बहुत सीवियर रस्ट डिसीज़ कॉज करती है जिससे काफ़ी लॉस युगांडा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28। लीफ कर्ल ऑफ कॉटन कैन बी मैनेज बाय कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट विंटर, यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज एंड फॉलो क्लीन कल्टिवेशन, एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29। वी स्मर्ट और शुगर केन इज कॉज्ड बाय ऑप्शन नंबर ए यूस्टिलेगो न्यूडा। क्वेश्चन नंबर 30। हु डिस्कवर्ड बॉर्डेक्स मिक्सचर। ठीक है, प्रोफेसर मिलार्डेड ऑफ फ्रांस इन 1882 डिस्कवर्ड बॉर्डेक्स मिक्सचर। इसमें होता बॉर्डेक्स मिक्सचर में क्या होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस क्विक लाइम प्लस वाटर का मिक्सचर होता है, तीनों को मिला के क्या बोला गया है, बॉर्डेक्स मिक्सचर बोला गया है। इसको ये जो होता है ये फंगीसाइड होता है, ये मेनली पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू के लिए यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 31। फंगाई एंड डिसीज इन प्लांट वॉज रिटन बाय, देखिए बीबी मुंडकर ने लिखी थी फंगाई एंड प्लांट डिसीज, ठीक है, और ईजे बटलर ने लिखी थी फंगाई एंड डिसीज इन प्लांट। देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है हमेशा कि किसने क्या बुक लिखी थी, ठीक है, तो बीबी मुंडकर की बुक का नाम था फंगाई एंड प्लांट डिसीज और ईजे बटलर की बुक का नाम था फंगाई एंड डिसीज इन प्लांट्स। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 इज एग्रोबैक्टीरियम इज अ, इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 33। एक्सोबेसिडियम वैक्सेंस बिलोंग्स टू, एक्सोबेसिडियम वैक्सेंस बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटिस डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 34। राइस टूमरो डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय, एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रीन लीफ हॉपर। क्वेश्चन नंबर 35। फाइलोडी इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 36। नॉर्मली स्फेरिकल वायरस कंटेन, देन स्फेरिकल वायरस कंटेन हायर न्यूक्लिक एसिड परसेंटेज एंड लोअर प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 37। इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय बीबी मुंडकर। ही ऑल्सो राइट अ जर्नल, इट इज़ नोन एज इंडियन पैथोलॉजी इन 1948। ही वर्कड ऑन स्मार्ट फंगाई इन इंडिया। ही ऑल्सो डेवलप्ड रस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी टू कंट्रोल कॉटन विल्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 38। द फंगाई इंक्लूडेड इन ऑर्डर पेरोनोस्पोरेल्स कॉज द प्लांट डिसीज नोन एज, इट्स आंसर इज डाउनी मिल्ड्यू। क्वेश्चन नंबर 39। वीट स्ट्रेक मोजेक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय ऑप्शन नंबर डी माइट्स। क्वेश्चन नंबर 40। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। क्वेश्चन नंबर 41। ब्रीडिंग मेथड टू इम्प्रूव अ स्पेसिफिक कैरेक्टर इन रिलीज्ड वेराइटी, देन इट्स आंसर इज बैक क्रॉस मेथड। पहले भी हमने बात करी थी कि अगर पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टर को हमको इम्प्रूव करना है तो हम बैक क्रॉस मेथड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। पेडोजेनेसिस इज द स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43। हाईएस्ट प्रोटीन इज कंटेंट इज फाउंड इन सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 44।
Which test is used for comparing two means from independent sample? Its answer is option number B, that is T-test. Question number 45. Which one of the following is a kharif crop? Then pearl millet is a kharif crop. Question number 46. Which one of the following is used to test the goodness of fit of a distribution? And its answer is option number C, that is chi-square test. Question number 47. Conservation agriculture forms a component of sustainable agriculture. Question number 48. Brassica juncea has been evolved after the hybridization between, and its answer is option number A, that is Brassica nigra and Brassica campestris. देखिए हम आपको इस पेपर में जो भी आंसर्स बता रहे हैं वो पूरी तरह से डिटेल में स्टडी करने के बाद हमने आपको आंसर की दिए, बट अगर फिर भी कोई आंसर गलत हो जाता है तो आप बाद में हमारे कमेंट सेक्शन में पिंड किए हुए कमेंट्स को देख सकते हैं, जहां हम कोई भी आंसर अगर हमारा गलत हो रहा है तो वहां पे हम उसका सही आंसर की हम आपको दे देते हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 49. Which organelle is found with half unit membrane? And its answer is spherozome. Spherozome is also known as oleosome. Iska function hota hai storage and synthesis of lipids, and it is discovered by Parnas. Question number 50. Suicidal germination takes place in. Dekhi, suicidal germination is striga or orobanki species mein hota hai. अगर यहाँ पे सुसाइडल जर्मिनेशन स्ट्राइगा की जगह ओरोबैंकी स्पीशीज होता तो हम क्या लगाते, ओरोबैंकी लगाते। तो अभी हमने जेआरएफ प्लांट साइंस 2018 के फर्स्ट पेपर में फर्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। हम इसके आगे वाले वीडियो में इसके अनदर 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू।